भारत की यात्रा पर भोपाल से निकली साइकिलिस्ट आशा मालविया के सम्मान में मंगलवार को इनरविल क्लब के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन होटल गार्डन व्यू में किया गया। बताया गया कि महिला सशक्तिकरण का संदेश फैलाने और महिलाओं की सुरक्षा पर लोगों को शिक्षित करने के लिए यह पूरे देश में साइकिल से घूम रही है। इसकी जानकारी उड़ीसा के एक इनरविल क्लब मेंबर ने अंतर्राष्ट्रीय इनरविल संपादिका प्रभा रघुनंदन को दी। इन्होंने आशा मालविया का संपर्क जमशेदपुर और रांची के क्लबों से करवाया, जहां उनका भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। साथ ही इन्हें इनरविल सदस्यों के द्वारा सहयोग भी दिया गया। रांची में यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से भी मिल चुकी है। वह बोकारो होते हुए गिरिडीह पहुंची है और इनरविल क्लब गिरिडीह के द्वारा उसकी मेजबानी की गई। क्लब के द्वारा एक सर्टिफिकेट देकर उनको सम्मानित किया गया। साथ ही भेंट स्वरूप इनरविल लोगो छपा हुआ कॉफी मग एवं क्लब फ्लैग दिया गया। उनके आगे के सफर के लिए कुछ खाने की चीजें और सहयोग राशि भी दी गई। आशा मालवीय, मैं मध्य प्रदेश में राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं अभी संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा कर रही हूँ। इसे मैं सोलो साइकिल राइडर के रूप में कर रही हूँ। मेरी टोटल भारत यात्रा 25,000 किलोमीटर की, अभी तक मैं 11,000 चल चुकी हूँ और मैंने यहाँ यात्रा भोपाल से 1 नवम्बर को शुरू की है। 15 अगस्त को मैं दिल्ली में इसका समापन करने वाली हूँ और मैं सभी भारत देश की महिलाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस तरह मैं अकेले भारत घूम सकती हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, उसी जगह आप भी सभी जगह सुरक्षित हैं। साथ ही आज के यंगस्टर के लिए भी मेरा ये मैसेज है कि आज के यंगस्टर छोटी सी प्रॉब्लम्स को लेकर डिसाइड कर लेते हैं, हमारी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया। तो सभी यंगस्टर के लिए मेरा यहाँ मैसेज है कि हमें हर समस्या का सामना हिम्मत के साथ करना और आगे बढ़ना। इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह की ओर से आज हमारा अभिनंदन कार्यक्रम था। आशा मालविया सोलो साइक्लिस्ट जो भारत भ्रमण में निकली हैं, हम लोग बहुत ही खुश हैं कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिला। आशा हमारे संपर्क में आई जब वो ओरिसा से निकली थी और मैंने जमशेदपुर और रांची क्लब्स के उसका संपर्क कराया और आज यहाँ आई हैं। और इसके बाद इसका झारखंड यात्रा यहीं ख़त्म होता है और इसके बाद वो बंगाल प्रवेश करेंगी। और जैसा कि मैंने अपने क्लब मेंबर्स के सामने कहा, आज मैं गिरिडीह वासियों के सामने भी कहना चाहूँगी कि इनरविल एक इतनी बड़ी महिला संस्था है कि आशा जहाँ भी भारत में जाएं, इनरविल मेंबर्स उसके साथ खड़े रहेंगे, ये आश्वासन मैं देना चाहूँगी। गिरिडीह भले ही छोटा शहर हो, पर जब हम लोग यहाँ से इतना सारा कार्यक्रम कर सकते हैं और आशा जैसी लड़की भी हमारे शहर में आ सकती हैं, तो हम ज़रूर जानते हैं कि आगे और भी नवीन मेंबर्स इसका साथ देंगे। आशा, आपको आगे की सफ़र के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। गिरिडीह क्लब आप पर बहुत गर्व करता है। थैंक यू। खेल खेल में छोटे छोटे बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास के लिए सिरसिया के कबीर ज्ञान मंदिर के निकट खुल गया है बिगनर्स प्ले स्कूल। इस प्ले स्कूल में प्री नर्सरी, नर्सरी, LKG, UKG में नामांकन जारी है। पहले 30 बच्चों का नामांकन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस प्ले स्कूल में ट्रेंड टीचर, स्मार्ट क्लासरूम, CCTV मॉनिटरिंग, ऑडियो विजुअल लर्निंग, 40 से ज्यादा फन एक्टिविटीज जैसे स्विमिंग, पपेट शो वगैरह, बिग प्ले एरिया विथ ब्यूटीफुल गार्डन, ट्रेंड आया और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता नोट कर लें, बिगनर्स प्ले स्कूल नियर कबीर ज्ञान मंदिर, ओल्ड उसरी ब्रिज, COD, गिरिडीह।